ठीक है बेटे तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी बात जो है वो बता दी है सुबस में रहने राहीम स्टार्ट करते हैं हम लोग ए एन एस मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे और एएनएस के जो पहले दोनों चैप्टर्स हैं यानी कि ए एन एस का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है और दूसरा कॉल इनर्जिक एगेस्ट हम जरा पढ़ लेते हैं कि इसमें से रफली क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और फिर ये क्वेश्चन जो है वो कैसे आपने सॉल्व करने और क्या चीजें लिखनी है वो भी मैं आपको साथ साथ नोट डाउन कराती हूं ठीक है बेटे जो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है गिवन गिव इन हैटेड फॉर्म द साइड स्ट्रक्चरल फीचर एंड पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म ऑफ मस्क्यूरेनिक टाइप वन टू थ्री रिसेप्टर ठीक है वो ये कह रहा है कि जो मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर हैं बेसिकली वो फाइव तरह के होते हैं वन टू थ्री जरा ज्यादा मेडिकली इंपॉर्टेंट है इनको जरा ज्यादा स्टडी किया गया है तो इनकी आप साइट्स बता दें या किधर हैं इनके बारे में थोड़ा हमें बता दें और ये कैसे काम करते हैं ये बता दें सो तो ये बात करते हैं हाउ डू ड्रग एंड टॉक्सिन अफेक्ट द कॉल इनर्जिक ट्रांसमिशन प्री एंड इसमें बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि जहां पर आपके पास कॉल इनर्जिक सेन्थेसिस होती है तो उस सेंथेसिस पे आपकी बुक में चार्ट है डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट ड्रग्स जो है वो उसको इनहेंस भी करती हैं ब्लॉक भी करती हैं सो वो बात करते हैं

कि एक जो पेशेंट था वो सफर कर रहा है फ्रॉम डिप्लोपिया यानी उसको डबल विजन हो रही है टॉसेस हो रही है उसकी आईलेट ड्रूप कर रही है उसको बोलने में मसला हो रहा है और अगर हम आगे देखें तो कहता है सॉल्विंग में भी मसला हो रहा है और जनरलाइज वीकनेस है बाद में हमें पता चला कि उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है अब आप ये बताएं कि आप कौन सी दो ड्रग्स देकर इस माइस्थीनिया को ट्रीट कर सकते हो और बेटे आपने याद रखनी है कि ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास अलग ड्रग्स हैं लेकिन माइस्थीनिया को डायग्नोज करने के लिए एड्रोफोनियम यूज होती है तो वो कह रहे हैं एड्रोफोनियम कैसे ट्रीटमेंट में यूज होगी या डायग्नोसिस में यूज होगी क्या रोल है उसका आप ये बता दें नेम देंटली इनडायरेक्टली जो है वो पूछे हुए हैं वो भी हम अभी पढ़ लेते हैं अगेन बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास सिनेरियो ये 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 सारे एक ही हैं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अ फॉर्मर वॉर स्प्रिंग ऑन हिज क्रॉप आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास ये जो कॉलिनोमोमेटिक है ये रिवर्सेबल भी होते हैं और इन रिवर्सेबल भी वो जो इर रिवर्सिबल होते हैं वो परमनेंटली एंजाइम को इनहेबिट कर देते हैं कॉलिनर्जिक स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा होती है जब कॉलिनर्जिक स्टमुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो इनिशियली मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होती हैं होती हैं होती हैं और एक टाइम आता है पेरालसिसिस और इवन डेथ हो सकती है तो वो चीजें यहाँ पे होंगी कि वो इंसेक्टीसाइड स्प्रे कर रहा था क्रॉप के ऊपर और वो अनकॉन्शियस हो गया उसके वर्कर ने देखा जब हमने उसको एग्जामिन किया तो उसका स्लाइवॉ बहुत ज्यादा था प्रोफ्यूजली उसकी जो ब्रीथ थी वो शेलो हुई हुई थी और वीज भी हो रहा था बीपी जो है वो उसका वन थर्टी था सिक्सटी थी, प्यूपल हो गए थे और 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 इसका मतलब है एक्टिविटी बहुत है बहुत कर दी गई और उसको और प्लेली, दिया ठीक है अब वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि, कि किस एजेंट की वजह से बेसिकली ये साइन सिम्टम आए तो बात है और गेनोफोस्टेट मैं भी सारा सॉल्व कराती हूं ठीक है अभी हम करें कहता है कि अगर हम देखें आ, कि आप ये कह रहे हैं कि आपने इसको ना एट्रोपीन एंड प्रेलीडोक्साइन दिया तो वो कहते हैं ये एट्रोपीन एंड प्रेलीडोक्साइन बेसिकली आपने इसको क्यों दिया इसके क्या रेशनेल था रेसनेल का मतलब होता है बेटे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था आपने क्यों दिया इनयमीरेट एंडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपीन अगर आप एट्रोपीन दे रहे हो तो क्या एट्रोपिन से भी कोई मसला हो सकता है हो सकता है तो बताएं क्या सेम यही क्वेश्चन है कि मिस्टर दत्ता जो है फिफ्टी ईयर ओल्ड मैन था और उसने भीगेनोफोसफेट कम्पाउंड से उसका एक्सपोजर हो गया जब वो अपनी क्रॉप्स को स्प्रे कर रहा था विंड जो है वो अपोजिट साइड की थी उसको हॉस्पिटल लाया तो देखा मीओस थी स्वेटिंग थी ब्रोंको कंस्ट्रक्शन सलवेशन वॉमिटिंग सारे ऑर्गेट पॉइजनिंग के साइन सिम्टम है क्या इमीडिएटली आप क्या करेंगे और कौन सी ड्रग्स देंगे जिससे पेशेंट बच सकेगा फिर अगेन बेटे वो ही एक फील्ड वर्कर है स्प्रे कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोफोस्फेट पॉइजनिंग क्योंकि बंदा मर सकता है क्लिनिकल को रिलेशन है ठीक है उसने कहा कि उसको बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन हुई भी इंसेक्टिसाइड की मेलाथाइन एंड पैराथाइन की इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दें ये हम बात कर लेते हैं अभी फार्माकोलॉजिकल बेसिस क्या है अगर आप मस्क रहने दोगे तो क्यों हो वो ब्लेडर में सॉरी जीआईटी में और आई में ऐसा क्या करती हैं वो बात हम करेंगे कि वो क्या काम करती हैं नेक्स्ट चीज है, है हमारे पास क्या आप एक्सप्लेन करें कि मैंने पहले बताया कि माइस्थीनिया के ट्रीटमेंट अलग है डायग्नोसिस अलग है डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम यूज होती है ट्रीटमेंट के लिए पहले फाइसो होती थी अब नीओ होती है तो वो ये पूछता है कि नियो क्यों यूज होती है अब क्या ऐसा हुआ कि हमने फाइसो को छोड़ के नियो करना शुरू कर दिया फिर ओग्जाइम्स के बारे में पूछ रहा है वो गेनोफोस्फेट पॉइजनिंग में किस तरह हेल्पफुल है भी सारी बात करते हैं उसके अलावा बेटे कुछ एडिशनल चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं ये बेशक मैं आपको सॉल्व करके नहीं दे रही लेकिन ये भी आप लोगों को आनी चाहिए यानी सिंपथेटिक पैरासम्पथैटिक का डिफरेंस आपको बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए एसिटाइल एसिटाइलकुलीन की सेंथिसिस आपको स्टेप वाइज आनी चाहिए

Uh, सबसे पहली बात हम लोगों ने कहा कि uh, उन्होंने कहा कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर जो है ना उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा हमें बता दें तो बेटे मस्क्यूरेनिक कॉल रिसेप्टर दो तरह के हो सकते हैं मस्क्यूरेनिक भी और निकोटिनिक भी अब मस्क्यूरेनिक आपको पता है पांच तरह के हैं लेकिन क्लिनिकली ये तीनों सिग्निफिकेंट है एम वन एम टू एंड एम थ्री एम वन टू और थ्री को इसलिए इकट्ठा लिख दिया कि इनका जो स्ट्रक्चरल फीचर और बोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म है वो सेम है सो so आपने याद रखना है मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूं पहले खाना खाओ फिर दिल लगाओ बाकी काम बाद में तो ये स्टमक में होते हैं एम टू हार्ट में होते हैं और एम थ्री आपके स्मूथ ब्लडर में स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली कपल प्रोटीन रिसेप्टर जो है स्ट्यमलेटरी तो नेता है, है कैसे स्ट्यूमलेन करता है जी एल्फा तो यह यहां पे होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में जी एल्फा के थ्रू फॉस्फेट को एक्टिवेट कर देता है फॉस्फोलाइपेस को ठीक है फॉस्फोलाइपेस जो है पी आईपी को तोड़ के कन्वर्ट कर देती है आईपी थ्री और डैग में आईपी थ्री बेसिकली कैल्शियम इनफ्लक्स कर देता है डैग बेटे काइनेज को ज्यादा कर देता है प्रोटीन सा स्ट्रक्चर है और अपना आगे काम प्रोसीड करता है और एम uh, थ्री का भी सेम है लेकिन एम जो है वो सेवन ट्रांसमेंब्रीन जीप कपल प्रोटीन ही है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये जी इनहिबिटरी होता है क्योंकि जब आपका कॉल सिस्टम स्टमुलेट होता है तो आपके हार्ट की एक्टिविटी बेसिकली इनहिबिट हो रही होती है तो ये कैसे इनहिबिशन करता है ये adenyl cyclase को inhibit कर देता है जब ये activate होता है. यहबिट होगा तो आपके पास कम हो जाएगा साइक्लिक होगा तो पोटासियम कंडक्टेंस बढ़ेगी पोटासियम जब सेल से बाहर जाना शुरू कर देगा तो हाइपर पोलराइजेशन इनहेबिशन हो जाएगी इसको एज इट इज आपने याद करना होता है और इस तरह ही लिखना होता है दूसरी बात पूछी थी. प्री सेनाप्टिक कॉल के इफेक्ट बता दें तो आपको पता बताया किस तरह से सेटाइल कुलन सेन्थिसाइज होता है बेशक मैं सारा रिपीट नहीं करूंगी लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी इनहिबिशन कर सकते हैं आप प्री सेनाप्टिकली यहां पे जो ट्रांसपोर्टर है जो कुलन को अंदर लेके जा रहा है हेमी हेमीकुलियम से वो इनहिबिट होता है फिर इसकी जो ट्रांसपोर्ट है बेटेन टू तो द वेजिकल फॉर स्टोरेज वेजीमाकोल इनहेबिट करते हैं बॉटल इनम टॉक्सिन इसकी रिलीज को इनहिबिट करता है और स्पाइडर वेनम इसकी रिलीज को इनहेंस करता है सो प्री सेनाप्टिकली ये चार ड्रग्स हैं जो आपने बतानी है इधर आप ये बना लें आप इस तरह से बता दें कि हेमी हेमिक्लिनियम ट्रांसपोर्ट

पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है पायलो कार्पीन होती है दोनों ओपन एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा में नंबर टू पायलो कार्पीन का क्या यूज है इसका मियोटिक एक्शन होता है या आपकी एट्रोफिन की जो पॉइजनिंग है जिसमें माइड्रीएस हुई हुई होती है उसको रिवर्स करने के लिए आप पाइलोकार्पीन दोगे तो मियोस हो जाएगी उसके अलावा बेटे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आई की सर्जरी से पहले भी हम लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं और इसी तरह ग्लूकोमा में सॉरी पायलोकारपिन को करते हैं नंबर टू हमारे पास जो ड्रग आ जाती है वो है कार्बोकॉल ठीक है सो कार्बोकॉल जो है उसकी पोटेंसी वैसे बहुत हाई है नॉर्मली यूज नहीं किया जाता लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन जो है वो आप आई सर्जरी या ग्लूकोमा में आई सर्जरी में मियोसिस प्रोड्यूस करने के लिए और ग्लूकोमा में एंट्रोक्युलर प्रेशर कम करने के लिए यूज कर सकते हो तीसरा बेटे जो एग्नेस है आपके पास दैट इज वो वाला एसिटाइल एसीटाइलकोलीन खुद ठीक है और एसिटाइल एसिटाइलकुलन का ओनली वन परसेंट जो है वैसे तो मैंने आपको बताया एसिटाइल एसिटाइलकोलिन थेराप्यूटिकली यूज नहीं होता फिर भी आपसे पूछने कहीं होता है तो आपने कहना है जी वन परसेंट सोल्यूशन इसका आई सर्जरीज में यूज किया जाता था लेकिन अब वो भी नहीं होता उसकी जगह हम साइक्लो टलेट या ट्रोपिका माइ बेसी के लिए ट्रोपिन की जगह यूज करते हैं लेकिन आपने ये एसीटाइलकुल वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये भी <coughs> सॉरी कॉलेज में किया होगा हर गोश्त पे कराते हैं तो हैं यानी आई रिलेटेड जो यूजेस हैं कॉल इनर्जिक एगेनेस्ट वो तीन यूज हो सकते हैं पायलोकार्पीन कार्बोकॉल एसीटाइलकुलीन पायलोकार्पीन रोग चॉइस फेर इमरजेंसी कार्बोकॉल बिफोर सर्जरी मियोस या एंट्रोक्यूलर प्रेशर कम करने के लिए और सेम बिफोर सर्जरी मीओस प्रोड्यूस करने के लिए तो आई जस्ट होप आप लोगों को मसला नहीं हो रहा एम वन एम टू एम थ्री रिसेप्टर का बताना था उसके बाद ये इसके प्री सेनाप्टिक

था कि इसके इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं अब बेटे डायग्नोसिस कैसे बनती है आपको पता है जो माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है उसमें मसला क्या है उसमें मसला ये होता है कि ये अगर प्री सेनाप्टिक टर्मिनल है ये पोस्ट सेनाप्टिक टर्मिनल है यहां से एसिटाइल कोलीन रिलीज हो रहा है लेकिन जो रिसेप्टर होते हैं ना वो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देती है जिसकी वजह से ये रिसेप्टर पर लगता नहीं है बहुत जल्दी इसको भी एसिटाइल कोलिनस्ट्रेस तोड़ देता है जब ये रिसेप्टर पर नहीं लगता आगे जो आपकी न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन है वो नहीं होती और पेशेंट कहता है मैं दिमाग में तो सोचता हूं मैं उठू और मैं वॉक करूँ लेकिन होता नहीं नर्वस स्टिमुलेशन तो आती है लेकिन फिर वो आगे मसल्स तक कन्वे नहीं होती है तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को एड्रोफोनियम दे देते हैं बेटे एड्रोफोनियम क्या करेगी इस एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस को फॉर एसिटाइल को एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस तोड़ देता था ना तो एड्रोफोनियम इस एसिटाइल कोलिन्रेस को क्या कर लेती है जाके ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से यहां पर के लेवल रेज होते हैं तो जो कोई बच्चे कच्चे रिसेप्टर है वो मैक्सिमम स्ट्यूमलेट होंगे और पेशेंट की न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और पेशेंट की जो कम्पलेन है वो बेटर हो जाएंगी सो so, ये इनएक्टिवेट कर देता है एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस को एड्रोफोनियम जिससे एसिटाइल एसिटाइलकुलन यहाँ पे सेनेप्टिक लेफ्ट में एक्मुलेट होता है न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन बढ़ती है पेशेंट की कंप्लेन इंप्रूव होती है सो so, हम कहते हैं कि यस इसको माइस्तीनिया ग्रेविस ही था ठीक है नेक्स्ट